कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार में कोई कमी नहीं होती देख झारखंड में लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का बढ़ना तय है। सत्ता शीर्ष पर बनी सहमति के मुताबिक महामारी के प्रकोप को देखते हुए अभी लॉकडाउन को जारी रखना ही राज्य के लोगों के हित में है। 29 अप्रैल के बाद राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 से 10 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। इसकी अधिसूचना 28 अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी। जेएमएम ने भी 14 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। वहीं कांग्रेस भी इसे जारी रखने के पक्ष में नजर आ रही है। 20 अप्रैल को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़ सख्ती बरती गई। राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे उद्देश्य ये था कि राज्य में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने से कोरोना की चेन टूटेगी, संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि पर रोक लगाई जा सकेगी। लेकिन संक्रमितों और मरने वालों के आंकड़े मिल रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में एक सख्त लॉकडाउन की तरफ सूबा बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं देवघर से हमारे साथ। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, जिस तरह के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं, मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है, लगता है एक सख्त लॉकडाउन की जरूरत राज्य में नजर आ रही है। देखिए आसिया, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो निश्चित तौर पर बड़ा ही चिंताजनक आंकड़े हैं। कल अगर हम देखा जाए तो कल अकेले देवघर में 183 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 36 तो बंदी हैं, जो मंडल कारा जो है देवघर उसमें जो बंदी हैं वो हैं। उसके अलावा DDC कार्यालय, CS कार्यालय, SDM के ऑफिस, जैप के जवान, तो ये वैसे लोग हैं। अगर आप इन पर ध्यान दें तो ये ग्रुप में हैं और साथ में रहते हैं और कहीं ना कहीं इनसे फैल सकता है, निश्चित तौर पर फैला भी है। ये चीज़ है। सबसे बड़ी दुखद कल के लिए रहा यहाँ के लिए खबर कि एक ही साथ 7 लोगों की मौत हुई है। माँ ललिता हॉस्पिटल जो है वो सभी संक्रमित मरीज थे जिन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी नीचे चला गया था, उनकी मौत हुई। 7 अकेले उस हॉस्पिटल में और एक मधुपुर में एक मौत हुई है। तो कल के आंकड़े बड़ा ही दुखदाई हैं। 8 लोगों की मौत हुई है बाबा नगरी देवघर से, हम कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो चुनौतियाँ हैं वो बढ़ते जा रही हैं, उसका डायमेंशन है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अब मौत की वजह सीधे ऑक्सीजन लेवल का कम होना और ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन निश्चित तौर पर है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तो यानी, लेकिन रिफिलिंग का है, लेकिन सिलेंडर की कमी खल रही है। अगर 120 सिलेंडर की जरूरत है हर दिन कम से कम सदर अस्पताल तमाम में, तो यहाँ कम ही है सिलेंडर है। अब ऐसे में सिलेंडर मंगाना, सिलेंडर खरीदना, सरकार ने कहा है कि नए सिलेंडर हम खरीदेंगे, लेकिन ये भी सिलेंडर स्पेसिफिक होते हैं। ये सिलेंडर LPG जैसे सिलेंडर नहीं होते हैं कि छोटा सा सिलेंडर है, बड़ा नहीं है आपके पास, छोटा भी मिल गया आप काम चला ले, ये भी एक यहाँ बड़ी तकनीकी समस्या आ रही है। तो निश्चित तौर पे कई फ्रंट पे चुनौतियाँ एक साथ खड़ी हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को अपनी व्यवस्थाएं कुछ इतना दुरुस्त कर लेना चाहिए ताकि लोग पैनिक नहीं हो, कम से कम उस फ्रंट पे जहाँ लोग पैनिक हो जाते हैं। अगर मैं अपने किसी करीबी को लेकर के अस्पताल जाऊँ, उसे बेड ना मिले, अगर बेड मिले तो फिर ऑक्सीजन ना मिले, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी विडंबना होगी। और यही चीज़ है कि पैनिक कर देगा। अगर किसी की मौत होती है तो उसे शमशान घाट तक ले जाने के लिए, अगर मोक्ष वैन जो होता है, जो स्पेशलाइज्ड होता है उसी काम के लिए, वो अगर नहीं मिले तो कम से कम इस फ्रंट पे तो जरूर अब सोचना होगा। और बड़ी चिंताजनक है स्थितियाँ। तो ऐसे में अगर सरकार को लगता है कि पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, हालांकि अभी जो नज़ारा आप देख सकती हैं कि हम लोग जहाँ खड़े हैं ये एक चलता रास्ता है और हमेशा यहाँ भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ से सीधे टावर चौक की और शहर के बीच जाता है, दूसरे इलाके में आता है, तो ये यहाँ तमाम दुकानें यहाँ खुली होती हैं लेकिन आज बंद है। लोग भी इक्का दुक्का, ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि बिल्कुल जेठ आषाढ़ का जो दोपहर होता है वो समय है।
तो लोग सेल्फ भी अपने आप को घर के अंदर रख लिए हैं, लेकिन जो जिनका परिवार संक्रमित हो गया कोई 1 से 10 वो संक्रमित होते जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो अपने आप को आइसोलेटेड रखे हुए हैं अपने घर में, उनके लिए मेडिकेशन का प्रॉब्लम उठ रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें इंजेक्शन लेने के लिए बाहर खुद उतर के जाना पड़ रहा है और वो जा रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उनके रास्ते में कोई ना कोई समस्या होता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है इस फ्रंट पर। तो मुझे लगता है कि सरकार को कुछ और भी कड़े फैसले लेने होंगे और साथ ही साथ ऑक्सीजन सप्लाई और जो बेड की व्यवस्था है हॉस्पिटल में वो उस पर ध्यान देना होगा निश्चित तौर पर, ताकि लोग पैनिक ना हो। जो सहयोग अभी लोगों का मिल रहा है वो सहयोग मिलता रहे, आगे भी मिले, पैनिक स्थिति ना हो। आसिया, चलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग घबराएं नहीं, डरे नहीं, लेकिन जो आंकड़े हैं जिस रफ्तार से अब लग रहा है ऐसे कि एक सख्त लॉकडाउन की जरूरत राज्य में है और इस पर शायद सरकार निर्णय भी ले कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इन सब के बीच मनीष, ऑक्सीजन की कमी की बात आपने की है, कोशिशें क्या हो रही हैं? क्या बेड की वहां संख्या पर्याप्त है? ऑक्सीजन की काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्या कह रहे हैं अधिकारी? हमने खबर भी की थी, जो यहाँ पर प्लांट है वो आपको पूरे संथाल परगना को ऑक्सीजन सप्लाई करता रहा है, लेकिन उसे देख करके यही लगा कि ये प्लांट कागज पे चलता है, ये बिहार से ऑपरेट होता है, इसके मालिकाना हक बिहार के किसी बासिंदे को है। और जिस जो हालात थे वहाँ के देखने के लिए, वहाँ जाले लगे हुए थे, खंडहर नुमा था, मालूम ये चला कि यहाँ प्लांट में सिर्फ रिफिलिंग होता है, ये लिक्विड पेट्रोलियम लिक्विड गैस ये लेते हैं वहाँ से बोकारो से और ला करके यहाँ रिफिल करते हैं। तो मुझे देख करके यही लगा कि ये प्लांट सिर्फ कागज पर चल रहा था इतना ही, ताकि वो कहे कि इंडस्ट्रियल एरिया में उनका एक प्लांट है। तो मुझे लगता है कि ये भी ज़रूरी है, कम से कम संथाल परगना को यहाँ से सप्लाई होता है तो सरकार इस ओर भी ध्यान दे कि ऐसे प्लांट अगर जल्दी से हो सके तो उसको उसके कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। हालांकि जिला प्रशासन खुद पहल करते हुए SDM सदर और मंडल पदाधिकारी दिनेश यादव जो है वो खुद वहाँ बैठे रहे इस बात को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि यहाँ से कहीं कालाबाजारी ना हो, जहाँ जरूरत हो वहाँ जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी पहल की गई है अभी भी और इससे दुरुस्त होने में काफी वक्त लगेगा, जब तक मरीजों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है तो काफी मुश्किलें होंगी अगर जल्दी प्रशासन इन सब चीजों को दुरुस्त नहीं कर लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए।